गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। यार हम सोचते हैं कि यार इंडिया में जो लॉज हैं अल्कोहल को लेके ये कब ठीक होंगे। किसी जगह पे अल्कोहल पूरी तरह बैंड है, कहीं कहीं पे अल्कोहल को लेके पूरी तरह से छूट है। हर स्टेट में प्राइसेस अलग हैं, कहीं किसी किसी स्टेट में तो डबल ट्रिपल प्राइसेस हैं। हर स्टेट के अंदर अल्कोहल पीने की जो लीगल एज है वो अलग है। ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कब ठीक होंगी, ये समझ नहीं आता। देखो ये लॉज थोड़े से अनफेयर है, लेकिन अगर हम लॉजिकली इन लॉज को देखें, इनके पीछे की जो रीजनिंग है उन्हें देखें, तो समझ में आता है कि ठीक है यार ये एक रीज़न है। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ये रीज़न क्यों है, क्यों ये लॉ को रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो लिकर के लॉज हैं वो इतने उल्टे सीधे हैं कि कुछ सेंस ही नहीं बनती यार। और इनको देख के लगता है कि भाई तुम पहले अपना देख लो, तुम पहले इन चीज़ों से को समझ लो, हम अपना बाद में निपट लेंगे, हमारा फिर भी ठीक है। फर्स्ट लॉ इज दैट बियर वॉज कम्प्लीटली इलीगल इन आइसलैंड। जी हाँ, बियर को बिल्कुल ही इलीगल माना जाता था आइसलैंड में, अलाउड ही नहीं थी। सी बियर आइसलैंड में जब आई तो इट वॉज नॉट अ नेचुरल ड्रिंक फॉर देम, वो बाहर से आई, दूसरी और यूरोपियन कंट्रीज से आई। तो जब भी कुछ बाहर से आता है, नया आता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ सही नहीं होगी, इसको नहीं लेना चाहिए। और लोगों को लगा कि जो बियर होती है ना, बियर पीने से अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, लोग ज़्यादा पीने शुरू कर देते हैं। चलो समझ में आता है कि भाई बियर ऐसी ड्रिंक है जो हम स्टार्टिंग में पीना शुरू करते हैं, हमारी जो अल्कोहल की जर्नी है वो बियर से शुरू होती है, इट मेक्स सेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला लॉ सिर्फ बियर पर ही एप्लीकेबल होता है। विस्की, वोडका, वाइन और जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो सब लीगल है, आराम से खुलेआम बिक रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बियर पर ही ये बैन था। लेकिन एक भले मनुष्य को थोड़ी समझ आई, उसने बुद्धि का उपयोग किया और उसने 1989 में इस रूल को खारिज कर दिया, ये रूल को हटा दिया। नाउ बियर इज़ अलाउड इन आइसलैंड। लेकिन आज भी उसको लेकर जो कंसेप्शन है लोगों की, जो उसके बारे में लोग सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि बियर जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारी जो दूसरी एंट्री है उसमें लोगों की सोच बिल्कुल ही ऑपोजिट है। 2013 तक रशिया में बियर को एक अल्कोहलिक बेवरेज माना ही नहीं जाता था। वहाँ पे लोग कहते थे कि ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है यार, ये 4% 5% क्या होता है, दिस इज़ जस्ट पेप्सी, कोक, बियर, सेम थिंग। वहाँ पे आप एक नॉर्मल जनरल स्टोर में 24/7 कोई भी स्टोर हो, जहाँ जहाँ से आप पानी ले सकते हो ना, वहाँ से आप बियर भी ले सकते हो। भाई ठीक है, बियर लाइट होती है, हम उसको सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ही मानते हैं, कभी कभार दिन में भी एक आधा लगा लेते हैं। लेकिन हर कोई सख्त लौंडा नहीं होता जो 8-10 बियर ऐसी चढ़ा ले। मेरे दोस्त बबलू को देखो, एक अल्ट्रा में झूल जाता है वो। अब ठीक है, रशिया में शायद लोग थोड़े एक्स्ट्रा सख्त होंगे, लेकिन ये काम करने वालों को हम सख्त नहीं मानते, चुतिया मानते हैं। देखो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो JD की बोतल तो गाड़ी की सीट के नीचे मैं सेल्फ डिफेंस के लिए रखता हूँ, भाई नोएडा से हूँ। लेकिन UK वाले इस लॉ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले गए। इन UK यू कैन नॉट राइड अ हॉर्स और अ काउ इफ यू आर ड्रंक। ठीक है चलो, हॉर्स राइडिंग समझ में आती है, ये रूल 1872 से चला आ रहा है। तो और उस टाइम पर हॉर्स राइडिंग कॉमन होती थी, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी तो वो हॉर्स राइडिंग करते थे। लेकिन ये काउ राइडिंग कौन कर रहा है भाई? अब ये गाय को घोड़ा समझ के जो बंदा उस पर बैठ रहा है, उस बंदे को तो वैसे नहीं पीने देनी चाहिए। और ये रूल सिर्फ काउ की राइडिंग तक अप्लाई नहीं होता, आप दारू पी के गाय के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। You cannot be in charge of a cow if you are drunk. अब मुझे लगता है कि ये रूल जिसने लिखा है, जो लॉ जिसने बनाया है, वो बंदा लिखते वक्त या तो खुद ही बंद था, या फिर उसको पता था कि हमारे यहाँ के लौंडे कितने हरामी हैं। जब हम जापान के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि कितना सोफेस्टिकेटेड है सब कुछ, जापानीज विस्की, जापानीज साके, भाई ये लोग तो इतने सोफेस्टिकेटेड है कि अपने पॉन में भी चीज़ों को पूरा ब्लर कर देते हैं, इतनी सोफेस्टिकेशन। लेकिन जहां बात आती है लिकर कंजम्पशन इन पब्लिक प्लेसेस की, वहां पर सोफेस्टिकेशन की किसी को नहीं पड़ी। यू कैन ड्रिंक एनी वेयर यू वॉन्ट, स्ट्रीट, मेट्रो, ट्रेन, पेड़ के नीचे, जहां मन करे बोतल खोलो और प्रोग्राम ऑन कर दो। हमारे यहाँ चोपड़ा अंकल पहले अपनी ड्यूटी खत्म करते हैं, उसके बाद हेलमेट को अपने स्कूटर की हुक से टांग के ठेके की लाइन में खड़े होते हैं, अपना सामान लेके साइड वाली शॉप में जाते हैं, वहाँ से सोडा लेते हैं, नमकीन भी लेते हैं, दो फ्लेवर, एक अपने लिए एक फैमिली के लिए। घर आते हैं, अपना ड्रिंक बनाते हैं, पहले भैरव बाबा को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम ऑन करते हैं। और वहाँ टोक्यो में नाकामूरा अंकल ठेके के सामने अपना क्वार्टर निपटा देते हैं,
भाई ये कैसी सोफिस्टिकेशन है। हमारी पांचवी एंट्री है यूएसए से, और यूएसए की सबसे पॉपुलर विस्की कौन सी है? जैक डेनियल्स, ये हम सबको पता है। कहाँ बनती है? टेनेसी में, ये भी सबको पता है। टेनेसी के अंदर वो बनती है लिंचबर्ग काउंटीज में, जो एक छोटा सा काउंटी है। लिंचबर्ग काउंटी जहाँ पे जैक डेनियल्स बनती है, वहाँ पे अल्कोहल पूरी तरह से बैंड है। आई एम श्योर ये फैक्ट भी कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट इट गेट्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। यूएसए के अंदर 1929 से लेकर 1933 तक अल्कोहल पूरी तरह से बैंड थी। 4 साल तक कोई भी अल्कोहल नहीं पी सकता था, इंक्लूडिंग द लिंचबर्ग काउंटी। लेकिन जब 1933 के अंदर ये प्रोहिबिशन हटी, अल्कोहल फिर से लीगल हो गई, उसके बाद ये रूल अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग काउंटीज पे छोड़ दिया गया कि वो क्या दोबारा अपनी काउंटी के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन को लीगलाइज करना चाहते हैं या नहीं, ये उनके ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि लिंचबर्ग काउंटी ने अल्कोहल के की लीगलाइजेशन के अगेंस्ट वोट किया। प्रॉब्लम इज कि वहाँ पर वोटिंग करने के लिए इतने लोग ही नहीं थे कि वो उस रूलिंग को हटा पाते, वहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी कम थी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इतने साल हो गए, 90 साल बीत गए, अभी तक ये रूलिंग को हटाया क्यों नहीं गया, अब तो काफ़ी लोग होंगे वहाँ पर। बट द फैक्ट इज दैट जैक डेनियल्स इज स्टिल देयर, और एक बहुत ही छोटी सी काउंटी है जहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग, जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर रहते हैं, वो जैक डेनियल्स के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं। एंड इफ़ यू गो टू जैक डेनियल्स यू कैन बाय अ बॉटल ऑफ विस्की। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अल्कोहल आप बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। यू कैन गो टू द जैक डेनियल्स विजिटर सेंटर एंड यू कैन बाय अ सोवेनियर बॉटल विच इज अ विस्की। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई ओनली जैक डेनियल्स, व्हाई कांट यू बाय अल्कोहल एनीवेयर एल्स। वेल द आंसर इज क्वाइट मिस्टीरियस आई थिंक। इसके बारे में हम काफ़ी डिबेट कर सकते हैं, बट टू मी दिस इज अ मिस्ट्री एंड अ वियर्ड लॉ जिसको मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? मज़ा आया तो लाइक कर दो वीडियो को। और ये क्या है, अरे ड्रिंक ख़त्म हो गया आपका? भाई जाके नया ड्रिंक बनाओ, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे अकेले अकेले देखना अच्छा नहीं होता, दोस्तों को भी दिखाओ, फिर अगले दिन ऑफिस में जाके डिस्कस करना ये सब बातें, मज़ा आएगा ना। चलो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।